भारत में दो चीजें बहुत ही कॉमन है, एक मंदिर मस्जिदों में पूजे जा रहे भगवान और दूसरा आए दिन हो रहे रेप के काम। अब कुछ समय पहले की बात है, गुड़गांव में चलते ऑटो में 3 लोगों ने 19 वर्ष की महिला से रेप किया। सिर्फ इतना ही नहीं, उसकी 8 महीने की बच्ची को चलते ऑटो से फेंक दिया गया जिसकी तुरंत मौत हो गई। और ये कौन सा एक नया किस्सा है, निर्भया कांड तो आप सभी को पता ही होगा। तो आखिर क्यों रेपिस्ट में डर नहीं है, क्यों आए दिन रेप हो रहे हैं? तो आज हमने दिल्ली की जनता के बीच जाके उनके लोगों से, स्पेशली मर्दों से पूछा कि आखिर सरकार को ऐसी क्या सजा निकालनी चाहिए रेपिस्ट के लिए जिससे शायद इंडिया में रेप होने कम या शायद बंद ही हो जाए। एक सजा बताइए जो आपको लगता है गवर्नमेंट को रखनी चाहिए जिससे आपको लगे कि रेप खत्म हो जाए। देखिए, सजा ऐसे कह देना कि किसी को आप हैंग कर दीजिए, लटका दीजिए या उस तरह से, हमारे देश में गवर्नमेंट जो है, कोई भी गवर्नमेंट इसको लागू नहीं करेगी। सजा तो ये चौराहे पे उसको बांधना चाहिए, जितनी पब्लिक जाए वो अपने आप एक एक, चाहे वो जितनी उसकी कैपेसिटी है, एक थप्पड़ मारे, दो थप्पड़ मारे, एक लात मारे, घूंसा मारे, चप्पल मारे, जब तक पब्लिक देखेगी नहीं उसकी सजा को, तब तक कुछ नहीं हो सकता सुधार इसके अंदर। मैम, सऊदी अरबिया का रूल लागू कर दो, सारा रेप कम हो जाएगा अपने आप। फांसी एकदम, कोई ट्रायल नहीं, कोई कुछ नहीं, एक बार प्रूव हो जाए, लड़की बोल दे और एक दो विटनेस बोल दे, उसका प्रूव हो जाए कि इज द कल्प्रेट, तो सीधा उसको फांसी, मौत दे दी जाती है प्रूफ होते ही। वहाँ कोई ट्रायल नहीं है, 2 साल 4 साल 10 साल तक कोई ट्रायल नहीं, प्रूफ हो गया मेडिकल में, सर गर्दन कलम कर दी जाती है। अरे सब बाहर घूमेंगे ऐसे खुले में तो ऐसा ही होगा, वैसे अपने काम से काम रखें, क्यों बाहर घूमें? काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, किस चीज़ का इंतजार है भारत सरकार तुम्हें जब सारी महिला प्रभावित हो जाएंगी तब? इफ़ यू लाइक अवर वीडियो प्लीज़ शेयर एंड सब्सक्राइब टू अवर चैनल वॉइस ऑफ पीपल।